इस ब्रह्मांड में अभी तक वैज्ञानिक पृथ्वी के अलावा ऐसा एक भी ग्रह नहीं ढूंढ पाए हैं कि जहाँ पर जीवन संभव हो। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन के लिए और भी कोई ग्रह वातानुकूलित जरूर होंगे, बस उन्हें ढूंढने में थोड़ा सा समय लग रहा है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अलावा सबसे पहले अगर जीवन की संभावना के लिए किसी जगह को तलाशा था तो वह जगह थी चांद। तो आइए जानते हैं कि चांद पर जीवन संभव है या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें। चांद के बारे में हर धर्म के लोगों में अलग अलग मान्यताएं हैं। यह मान्यताएं आज से नहीं सदियों पुरानी चली आ रही हैं। सदियों से इंसान चांद के बारे में जानना चाहता है, लेकिन उसकी यह इच्छा आज जाकर पूर्ण हुई है। आज से 100 साल पहले यदि कोई व्यक्ति चांद पर जाने की बात करता तो दुनिया उसे मात्र एक कल्पना से ऊपर और कुछ नहीं समझती। लेकिन निरंतर विज्ञान में शोधों से वैज्ञानिकों ने चांद पे जाने की टेक्निक विकसित कर ली और सन 1972 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा और चांद के कई राज खोले। आज चांद को पूर्ण रूप से विज्ञान की दृष्टि से देखा जाता है और उसके बाद कई देशों ने अपने स्पेसक्राफ्ट भेजकर चांद के बारे में और ज्यादा पता लगाया। शुरू में तो वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद पर जीवन संभव हो सकता है, लेकिन बाद में हुई शोधों में उन्होंने इस बात का खंडन किया। इस समय पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चांद पर जीवन होने की बात को असंभव मानते हैं। क्या आपको पता है चांद की पृथ्वी से दूरी लगभग 384,400 किलोमीटर है और चांद की रोशनी धरती तक आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। चांद को मून तो इंग्लिश में सभी कहते हैं, लेकिन चांद का एक और फेमस नाम है, वह नाम है लूना। चंद्रमा धरती का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, बाकी सभी उपग्रह कृत्रिम उपग्रह हैं। इस समय दुनिया भर के सभी वैज्ञानिक यह मानते हैं कि चांद पर जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है, क्योंकि चांद पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चांद पर दिन में काफी ज्यादा गर्मी होती है और रात को काफी ज्यादा ठंड होती है। दिन में चांद का तापमान 127 डिग्री तक चले जाता है और रात को चांद का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है, जो कि इंसानी जीवन के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। पृथ्वी पर ओजोन लेयर समेत कई लेयर होती है जो तापमान को नियंत्रण करती है और सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाती है। लेकिन चंद्रमा पर ऐसा कुछ नहीं होता। चंद्रमा पर ओजोन लेयर जैसा कोई वातावरण नहीं है। चांद पर नील आर्मस्ट्रांग द्वारा रखे गए कदम के निशान आज भी मौजूद हैं, क्योंकि चांद पर कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है और जब चांद पर हवा ही मौजूद नहीं है तो बिना धूल मिट्टी के हिले डुले निशान नहीं मिट सकते। और अब सभी जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के जीवन की कल्पना करना भी व्यर्थ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के दक्षिणी छोर पर पानी हो सकता है। यह पानी बर्फ के रूप में चांद के दक्षिणी छोर के गड्ढों के अंदर होगा। चांद पर धरती के मुकाबले ग्रेविटी 6 गुना कम है। यदि आप धरती पर 2 फुट तक कूदते हैं तो चांद पर आप 12 फीट तक कूद पाएंगे। चांद पर ना हवा है ना पीने योग्य पानी, तो जीवन कैसे संभव हो सकता है। लेकिन इस समय विज्ञान निरंतर कोई ना कोई नवीनतम टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है और यह भी प्रयास कर रहा है कि किसी तरह चांद पर कृत्रिम वातावरण बनाया जाए। कृत्रिम वातावरण वह वातावरण होता है जो पूर्ण रूप से मनुष्य की बनाई गई हवा और पानी से बना होगा। यदि मनुष्य हवा पानी की व्यवस्था कर भी लेगा तो चांद को पूर्ण रूप से कवर करने के लिए ओजोन लेयर की व्यवस्था कैसे करेगा, कैसे विकसित करेगा ओजोन लेयर, क्योंकि चांद का डायमीटर यानी कि व्यास 3472.2 किलोमीटर है और इतने बड़े डायमीटर को कवर करना आसान बात नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इस समय तो चांद पर जीवन संभव नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि वैज्ञानिक कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित कर ले जो चांद पर रहने योग्य वातावरण विकसित कर सके। कई देशों के वैज्ञानिक इस समय कई स्पेसक्राफ्ट चांद की ऑर्बिट पर भेजकर चांद के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती से हमें चांद का 59% हिस्सा ही दिखाई देता है। ये थे चांद पर जीवन के संभव होने या ना होने को लेकर कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। हम आशा करते हैं कि वैज्ञानिक आने वाले समय में कोई ऐसा रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे कि चांद पर जीवन संभव हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।